चार पांच साल पहले तक तो ऐसी स्थिति थी और ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि बैंकों का अधिकांश पैसा सिर्फ उन्हीं इने गिने लोगों के लिए रिजर्व रख दिया गया था जो किसी एक परिवार के करीबी हुआ करते थे। आप सोचिए, आजादी के बाद से लेकर 2008 तक, यानी 1947 से 2008 तक, और देश भर के 20 लाख लोग सुन रहे हैं, सुनकर के चौंक जाएंगे, 1947 से 2008 तक हमारे देश की सभी बैंकों ने कुल मिलाकर के 18 लाख करोड़ रुपए की राशि ही लोन के तौर पर दी थी। 18 लाख करोड़, इतने सारे कालखंड में। लेकिन 2008 के बाद सिर्फ 6 साल में, यानी 60 साल में क्या हुआ और 6 साल में क्या हुआ? 60 साल में 18 लाख करोड़ और 6 साल में ये राशि बढ़कर 52 लाख करोड़ रुपये हो गई। ले जाओ, बाद में मोदी आएगा रोएगा, ले जाओ। यानी जितना लोन देश के बैंकों ने आजादी के बाद दिया था उसका लगभग 2 गुना लोन पिछली सरकार के 6 साल में। तेरा भी भला मेरा भी भला। और ये लोन मिलता कैसे था? हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी तो अब आई, लेकिन उस समय एक स्पेशल परंपरा चल रही थी फोन बैंकिंग की, और इस फोन बैंकिंग का प्रसार उतना हुआ था, अने नामदार अगर फोन कर दें तो बैंकिंग और फोन पर कर्ज देने वाले बड़ा पार लोन मिल ही जाता था। जिस भी बड़े धनी धन्ना सेठ को लोन चाहिए होता था वो नामदारों से बैंक में फोन करवा देता था। बैंक वाले फिर उस व्यक्ति या उस कंपनी को जट से अरबों खरबों रुपयों का कर्ज दे देते थे। सारे नियम सारे कायदा कानून से ऊपर था उन नामदारों का टेलीफोन। कांग्रेस और उसके नामदारों की फोन बैंकिंग ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब सवाल यह भी उठता है कि बैंकों ने इस तरह की फोन बैंकिंग से मना क्यों नहीं किया? साथियों, आपको यह पता है कि उस समय बैंकों में नामदारों के आशीर्वाद से ही अधिकांश लोगों की नियुक्ति होती थी। नामदारों के प्रभाव की वजह से ही बैंक के बड़े बड़े दिग्गज भी लोन देने से मना नहीं कर पाते थे। 6 साल में लगभग 2 गुना लोन देने के पीछे यही सबसे बड़ी वजह थी। बैंकों ने ये जानते हुए भी कि उनके द्वारा दिए गए लोन की वापसी मुश्किल होगी, बस कुछ विशेष लोगों को लोन देना ही पड़ेगा, पता है नहीं आएगा तो। इतना ही नहीं, जब ऐसे लोग कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करने लगे तो बैंकों पर फिर से दबाव आया, उन्हें नए लोन दीजिए। और ये गोरखधंधा, ये चक्र लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर हुआ। यानी एक बार लोन ले लिया
फिर जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब उसको फिर से वो मांग रहा है तो क्या दूसरा दो तो मैं देता हूं, वो देता है ये देता है ये देता है ये देता है, वही वही चक्र चलता था। जो लोग इस गोरख धंधे में लगे थे उन्हें भी अच्छी तरह पता था कि एक ना एक दिन उनकी पोल जरूर खुलेगी, और इसलिए उसी समय से हेरा फेरी की एक और साजिश साथ साथ रची गई। बैंकों का दिया कितना कर्ज वापस नहीं आ पा रहा, इसके सही आंकड़े देश से छिपाए गए, देश को अंधेरे में रखा गया। यानी जो लाखों करोड़ रुपए फंसे थे उसे कागजों पर सही तरीके से नहीं बताया गया, छुपाया गया, देश से झूठ बोला गया कि सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए हैं जो आना बाकी है और शक है आएंगे कि नहीं आएंगे। जिस समय देश में बड़े बड़े घोटाले उजागर हो रहे थे उस समय पिछली सरकार ने सारी मेहनत अपने ये सबसे बड़े घोटाले को छिपाने में लगाई हुई थी। बैंकों में कुछ खास लोग भी इसमें नामदारों की जरा मदद कर रहे थे। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो सारी सच्चाई सामने आने लगी। तब बैंकों से कड़ाई से कहा गया कि सही सही आकलन करके उनकी कितनी राशि इस तरह का लेन देन और उनका लोन देना बाकी है, कितने रुपए फंसे हुए हैं, सारी जानकारी लाओ। 6 साल में जो अथाह राशि दी गई उसकी सच्चाई ये है कि जिस राशि को पिछली सरकार सिर्फ 2-2.5 लाख करोड़ बता रही थी वो दरअसल 9 लाख करोड़ रुपया थी। चौंक जाएगा देश आज सुनकर के, देश के साथ कितना धोखा किया गया, देश के सामने कितना झूठ बोला गया। हर रोज ब्याज की रकम जुड़ने की वजह से ये दिनों दिन और बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ेगा क्योंकि ब्याज तो जुड़ना ही जुड़ना है, बैंक का अपना कागजी काम तो करेगा ही करेगा। साथियों 2014 में सरकार बनने के कुछ समय बाद ही हमें एहसास हो गया था कि कांग्रेस का और ये नामदार देश की अर्थव्यवस्था को एक ऐसी लैंडमाइन बिठा करके गया है। अगर उसी समय देश और दुनिया के सामने इसकी सच्चाई रख दी जाती तो ऐसा विस्फोट होता कि अर्थव्यवस्था शायद संभालना मुश्किल हो जाता, इतनी बर्बादी करती। इसलिए बहुत एहतियत के साथ बड़ी बारीकी से काम करते करते इस संकट से देश को बाहर निकालने के लिए हम दिन रात लगे रहे। भाइयों और बहनों, हमारी ही सरकार एनपीए की सच्चाई पिछली सरकार के इस घोटाले को देश के सामने लेकर के आई है। हमने केवल बीमारी का पता ही नहीं लगाया बल्कि उसके कारण की भी तलाश की और उस बीमारी को दुरुस्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। पिछले 4-4.5 साल में 50 करोड़ से बड़े सभी लोन्स की समीक्षा की गई, लोन की शर्तों का बड़ी कड़ाई से पालन हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने कानून बदले, बैंकों के मर्जर का निर्णय लिया, बैंकिंग सेक्टर में प्रोफेशनल अप्रोच को बढ़ावा दिया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुधारने के लिए निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये भगोड़े अपनी संपत्ति की नीलामी में खुद भाग न ले सके इसकी भी व्यवस्था की गई है। बड़े लोन लेने वालों के पासपोर्ट डिटेल भी अब सरकार के कब्जे में रखना तय कर लिया है ताकि
देश छोड़कर भागना उनके लिए आसान न हो। बैंकरप्सी कोड और एनसीएलटी द्वारा एनपीए की रिकवरी शुरू हुई है। 12 सबसे बड़े डिफॉल्टर्स जिनको 2014 के पहले लोन दिया था, जिसके एनपीए की राशि करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए हैं, उनके खिलाफ तेज गति से कार्रवाई चल रही है और उसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। इसी प्रकार उन 12 के अलावा और दूसरे 27, वो भी बड़े बड़े लोन खाते वाले हैं, जिनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है। इनकी वापसी का भी इंतजाम बहुत पक्के तरीके से हो रहा है। जिनको लग रहा था कि नामदारों की सहभागिता और मेहरबानी से उनको मिले लाखों करोड़ रुपया हमेशा हमेशा के लिए उनके पास रहेंगे, हमेशा इनकमिंग ही रहेगा, अब उनके खाते से आउटगोइंग भी शुरू हुआ है। देश में एक नया बदलाव आया है, अब एक नया कल्चर आया है, कल्चर बदल रहा है। पहले बैंक इनके पीछे पड़ते थे, अब हमने कानून की जाल ऐसी बनाई है कि अब वो रिपेमेंट करने के लिए चक्कर काट रहे हैं, कुछ करो भाई, थोड़ा ले लो, अभी थोड़ा अगले महीने दे दूंगा, कुछ बचा लो मुझे। अब ये खुद बैंक के पीछे दौड़ने लगे हैं, पैसा वापस करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दिनों दिन मजबूत होती बैंकिंग व्यवस्था के साथ ही अब ऐसे लोगों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा और कसने जा रहा है। और मैं देश को फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन सारे बड़े लोनों में से एक भी लोन इस सरकार का दिया हुआ नहीं है।